आज का टॉपिक हमने लिया है, उससे पहले जो अभी डिलन सर ने बोला, हम अभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन हम लोग का मतलब ये फैमिली इतना बड़ा हो गया है और फैमिली में ऐसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग जैसे हम आजू बाजू में बैठते हैं और जानते हैं। योगिनी जी के साथ मैं बहुत बार मिला, अभी फाइनली जब भी हम लोग गए थे तो वहां पर भी हम लोग साथ थे, तो वो फील ही नहीं होता है कि बस ये इसको मैं सिर्फ 3 साल से जानता हूँ। सो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है और बहुत सारे लोग है जो ये वेबिनार में आते हैं, पैनल में आता है, वो ऐसा हो गया कि हम लोग उसको पर्सनली जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल है आगे चल के। मैं जैसा बार बार बोलता हूँ, फोकस टीम पे मत करो, फोकस कम्युनिटी पे करो। यू आर बिकमिंग अ वेरी वेरी पावरफुल कम्युनिटी। मैं टॉपिक यही लेके जाने वाला हूँ वो कनेक्ट का, लेकिन उसपे भी इन्वॉल्व है कि बॉस मेरा टीम जीरो टीम ये सब वो सब कुछ। आपको थोड़ा सा बात को समझना है और वो बेस बात को समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका मेहनत पानी में नहीं जाए, आपने जो किया है राइट। आपको इतना बात समझने का है कि जैसा डिलन सर ने बोला, अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को समझो। प्रोडक्ट को समझने के बाद आगे कंट्रोवर्शियल होता है। जितने भी यूट्यूबर्स कुछ भी, आज मेरे को लिंक आया सर, आपने बोला 25 करोड़ रुपया आ जाएगा, मतलब जो पॉसिबल है, मेरा कुछ रिकॉर्डिंग डाल दिया, 25 करोड़ का कितना भी आ सकता है, लेकिन आपकी तैयारी है क्या? आर यू रेडी? That is the question. वैसे तो बहुत टाइप के लोग हैं, लेकिन आपको क्या करना है? और इधर कैसा होता है कि बॉस वो तो यूट्यूबर्स है, उनके पास व्यूज नहीं आता है, तो वो पैसे का जरिया कमाने का कुछ ना कुछ देखता है, कुछ ना कुछ उल्टा लिखते हैं, कुछ एक्साइटिंग ऐसे लिखते हैं कि पब्लिक इधर से जाए और उधर जाके हम लोग भी जाके देखते हैं, उसका व्यूज बढ़ाते हैं, उसको पैसे देते हैं और खुद अपनी टेंशन में आते हैं और खुद डिमोटिवेट होता है। क्या बात है, इतना अच्छा क्या बात है? तो यही बात है, तो ये बात आपको बहुत समझना है क्योंकि आप फाउंडर और ये जहां पर भी लोग हैं उनका अगर उन लोग खुद को वो समझ के कुछ बोलते हैं या कुछ रिकॉर्डिंग उठा के डालते हैं। अभी किसका भी रिकॉर्डिंग उठा के डालने का आधा काट के जैसा एड सर का डाल दिया कि उसने बोल दिया कि बॉस इंडिया पहले ही कर लेना मांगता था अभी, लेकिन उसके बाद वो हंस के बोला नो आई एम जस्ट जोकिंग राइट। तो वो नहीं डालते, वो डालेंगे बीच वाला और बोलेगा ऐसा ऐसा हो गया। वैसे मेरे भी रिकॉर्डिंग, डिलन सर के रिकॉर्डिंग कोई वादा नहीं है, लेकिन हम लोग आप लोग अपन लोग साथ में हैं तो वो सब कहां जाते क्यों है? और जाने के बाद सिर्फ जाते नहीं है, वहां का वो रिकॉर्डिंग लेके हमको देते हैं। मेरे पास जो जो रिकॉर्डिंग आता है वो आदमी जो मेरे को भेजता है नेगेटिव वीडियो, उसको मैं हमेशा के लिए ब्लॉक करता हूँ, जिंदगी में वो कभी मुझसे बात नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको बार बार बोला गया है, बार बार लगातार। आज मैं इस बात पे थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा क्योंकि सभी लोग का यह है कि बहुत सारे इतना पैसा कहां से लाएगा। अगर आपको याद होगा, देखो पहली बात तो ये है कि तुम लोग ये मत समझना कि बॉस आपका, एक्चुअली मेजर जो हमारा पूरा कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे लोग है, इट इज अ हाई परसेंटेज दैट नोबडी हैज डन एनीथिंग, बट लेकिन यू आर अ फाउंडर, आपको फाउंडर का टैग है और एड सर को मालूम है कि बॉस ये फाउंडर्स को मेरे को बिल्ड करके ऊपर लेके जाने का है, वो कंपल्सरीली होने वाला है। लेकिन ये बात कितना नागवारा है कि एक ने बोला सर आप लोग ने तो बोला था सारी फाउंडर्स एक ही है, तो उसका बोलने का मतलब क्या है? तो उसका बोलने का मतलब जिसने 3,000 का टीम बनाया, 30,000 का टीम बनाया, 3,00,000 का टीम बनाया, सब एक ही है, और जिसने 0 बनाया वो भी एक ही है। बस ये डाइजेस्टेबल बात नहीं है, हम लोग ने आपको बोला है कोई पीछे नहीं रह जाएगा, नोबडी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, देर आर टूल्स, देर आर थिंग्स, देर आर बहुत सारा कुछ है एक्टिविटीज जहां पे लिफ्ट होगा। यहां पर यही केस है और आप एक जो पोजिशन पे बैठा है, बिलीव मी एज अ फाउंडर ये पोजीशन लोग मर जाएंगे लेने के लिए आपसे, तो आपको इतना बात समझना है। अगर आप 1 साल पीछे, 1.5 साल पीछे जब हम लोग का बात चल रहा था, तभी क्या बात करता था हम लोग, एक्चुअली प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होने वाला था तो प्रोडक्ट प्राइस को जब डिक्लेयर किया था वो $250 से $300 डिक्लेयर किया था एक प्रोडक्ट का, अगर आपको याद रहेगा तो वहां पर जब मीटिंग होता था हम लेते थे तो हम लोग के पास आके बोलता था सर ये इतना सा पेमेंट मैं एक साथ नहीं कर पाएगा और मैं थोड़ा 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद करूंगा तो भी मैं फाउंडर रहूंगा कि नहीं, ये पॉइंट आता था। ये नहीं कि बॉस प्रोडक्ट कॉस्टली है, ये कि बॉस मेरे को अगर समझो थोड़ा अरेंजमेंट करने में टाइम लगेगा, ये बात होता था मीटिंग में भी हुए ला। लेकिन यहां पर ये बात को सिचुएशन में कैसा लिया गया, $300 तक की तैयारी थी लेकिन अभी 143 की नहीं है, क्यों? वहां पर जब वो कनेक्ट था, वो कनेक्ट से 1,000 गुना ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट हो गया है। वो प्रोडक्ट के बारे में भी बात करूंगा, कंपैरिजन में भी बात करूंगा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है उससे 1,000 गुना ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट होगा, उसका फीचर्स ऐसा हो गया, क्लैरिटी 4K में है और दैट कैन बी पुट इनटू 8K 12K वहां जाने वाला है, और आज तक किसी ने 4K में नहीं लाया है और इतने सारे फीचर्स अंदर डाला है जो देख के हम लोग हिल जाते हैं। आपका अगर ब्रेकअप लेने जाते हैं हम लोग तो कितना है,
125 into 3 तीन महीने का हो गया 375 और उसमें से एक महीना फ्री दिया है, फ्री दिया है आपको, तो आप बोलेगा अरे मैं उसका क्या यूज करूंगा, वो भी यूज मैं बताऊंगा आपको। फ्री दिया है उसमें से बचता है 250 और 250 में भी 107 डॉलर्स निकालता है, 143 डॉलर्स का आपको पड़ता है। तो ये इफेक्टिवली तभी 300 का रेडी था, लेकिन आज ये सब कमोशन हो गया कि हम नहीं करेंगे, नए कंपल्सरी नहीं। मैं आपको ठोक बजा के बोलता हूं कोई कंपल्शन नहीं है आपको, लेकिन उसके आगे क्या होगा वो समझना आपको जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज सर के हिसाब से देखते हैं तो ये इतना ब्रेकअप करके 300 डॉलर से ये अगर अपने 143 पे लाया, वो भी तीन महीने का, तो आप सोचो वो डिवाइड होएगा तो कितना होने वाला पर मंथ का, मिनिस्कुल, मतलब वो है ही नहीं। उस पे भी चर्चा और ये बात होता है। आप एक बात याद रखना, एज सर ने ये जो कंपनी बनाई है ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया, इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए। और बाकी सब जितने भी कंपनीज है, डायरेक्ट कंपनीज या कोई भी आईटी कंपनी है, डायरेक्ट प्रॉफिट का सोचा है। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर कम्युनिटी लिफ्टिंग है, इसीलिए इतना बड़ा पावरफुल कम्युनिटी हुआ है। और बार बार उन्होंने बोला है कि नोबडी वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, तो आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? एक डेढ़ साल पहले फाउंडर्स का कार्यक्रम बंद हो गया, उसके बाद भी कितने सारे अचीवमेंट हो गया हमारे, स्टेशन बन गया, ये कर दिया, ये किस लिए कर रहा है? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लोग आते हैं। 2.2 मिलियन क्यों बोल रहा है? इतने सारे लोग ऑलरेडी आ गए, ये सारे लोग कहां जाने वाला है? फाउंडर्स के सिस्टम में आने वाला है, तुम लोग ऑलरेडी बाप हो। लेकिन ये बात खुल्लम खुल्ला बोलने का, और ये नहीं, आपको समझना है। अगर आप हम लोग के साथ है, हम लोग के बार बार बात सुनते हो, तो आपको समझना चाहिए कि बॉस ये क्या क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। आपको लगता है एज सर जिंदगी में नहीं ऐसा चाहेगा कि कोई भी फाउंडर विल बी लेफ्ट बिहाइंड? ये आपको समझना है। अगर आप इसको एनालाइज करते हो और तीन महीने का एक कार्यक्रम देखते हो, कोई बोलेगा सर वो तो ठीक है, ये 10,000 का लेके हम क्या करें? आपको देखो, कोई आराम से बैठेगा, उसको भी आएगा, थोड़ा धीरे धीरे आएगा, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करेगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, बहुत सारा एक्टिविटी करेगा। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था इधर करोड़ों भी आ सकता है क्या? डेफिनेटली आपका एक्टिविटी पर डिपेंड है। आपको ऑन पैचू का एक व्हीकल मिला है, उसको किस तरह से स्मूथली चला के स्टेयरिंग करके यू टर्न मार के कैसा करेगा? बोलेगा सर हमको कुछ आता नहीं, सीखो। तो आपको ज्यादा जितना है, अपने पास एक फावड़ा है, जितना माल लेने का वो ले सकता है, लेकिन कितना बार फावड़ा मारेगा उतना ज्यादा माल आएगा, विच विल बी कंपैरेटिवली वेरी इजी बोलेगा। तो अगर आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है और आपको सब जगह आपका ये फैलाना है, तो आप सोचो कि आपको नेट पे भी बिजनेस करना है ना, तो भी लाखों रुपया डालना पड़ता है। यहाँ पर पूरा सिस्टम रेडी किया, इकोसिस्टम रेडी किया, अंदर आपका डोमेन वोमेन आएगा, वो बाद में तो और पावरफुल होगा। लेकिन अभी अगर आप उसका बारे में नहीं सोचते हो, तो आप सोचो आपका क्या हल होगा। क्योंकि फाउंडर्स हैव अ प्रायोरिटी, फाउंडर्स हैव अ सेपरेट टैब इन आवर इकोसिस्टम, फाउंडर्स कैन एक्सेस देयर, फाउंडर्स को अर्ली इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलता है, फैसिलिटी मिलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई कुछ भी नहीं करेगा तो भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिरेगा, लेकिन उसका ये सिस्टम एक बार समझो कि दुनिया में पहली बार हो रहा है, इट इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि एक ही इसमें OES बन गया। OES में पहला प्रोडक्ट, द फर्स्ट एवर प्रोडक्ट, सच अ डिसरप्टिव प्रोडक्ट। इतना डिसरप्टिव मतलब धज्जियां उड़ जाएंगे, हमारे पास कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन जो अपना नियर कंपटीशन है, आप सोचो, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करो कि आज तक अपने डायरेक्ट मार्केटिंग में जो भी बिजनेस किया, अगर 100 रुपए का टूथपेस्ट है वो अपन 600-800 में बेचा, वो भी खुशी खुशी। यहां पर आपको मालूम है क्या है उनका, क्या है उनका? अगर 10,000 का कैपेसिटी लेना है, इफ यू वांट टू टेक अ 10,000 कैपेसिटी, आपको रफली अराउंड $5,000 देना पड़ता है। $5,000 मतलब कितना? चार लाख के ऊपर हो गया। वो पैसे के अगेंस्ट सेम प्रोडक्ट, नो। बेटर प्रोडक्ट, नो। दी बेस्ट प्रोडक्ट, यस। क्योंकि इतने सारे फीचर्स है, मतलब प्रोडक्ट अपना वो स्ट्रक्चर से वो सब छोड़ दो, आपको जो आदमी यूजर है वो अगर वो यूज करता है जूम और बाद में हमारा प्रोडक्ट यूज करता है, वो जिंदगी में कभी वापस नहीं जाएगा। क्योंकि प्राइस क्या है वहां पर? 4-5 लाख रुपए का चीज आपको $125 में मिल रहा है, तो वो तो जो यूज कर रहा है। आपके माइंड में आएगा एक क्वेश्चन का आंसर, सब लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन आप मुझे भी मालूम है। अरे सर ये तीन महीना है, ठीक है, 125 टिक रहा है, ठीक है, लेकिन ये 10,000 का हम करेंगे क्या? देखो आपका थोड़ा दिमाग यूज करने का है, आपको ये
यूज करने को दे सकते हैं, या आप बोल सकते हैं किसी का घर में शादी है उसको बोलेगा अरे मैं तेरा ऑनलाइन कर सकता है, बोलेगा हाँ 10,000 तक भी आदमी आएगा चलेगा, चल मैं मैनेज करेगा, तो मन में सोचेगा उसका शादी है मैं क्यों मैनेज करूं। अगर आपने मैनेज किया और जितने लोग लॉग इन किया पूरे वर्ल्ड से वो शादी देखने के लिए वो आपके सिस्टम में आ गए, एकदम सिंपल।